हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम एक ब्यूटीफुल सा बुके बनाने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले हमने इधर रेड कलर का A4 साइज पेपर ले लिया है। आप चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे A4 साइज पेपर ली, वो रेड कलर का। उस पर मैं सबसे पहले 11x11 के स्क्वायर्स कट कर रही हूँ। आप कोई सी भी लेंथ ले सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से, जितने साइज के आपको फ्लावर्स चाहिए। मेरे को तो 11 सेंटीमीटर के चाहिए थे, इसलिए 11 सेंटीमीटर्स ली। आप कोई से भी ले सकते हो। अजीब लग रहा होगा बट लेकिन मैंने 11 सेंटीमीटर इसलिए ली थी क्योंकि 5 का डबल 10 होता है, बट लेकिन 11 में परफेक्ट साइज आ रही थी जिसमें वो कट करने की स्पेस मिलती सर्कल को। और सर्कल डबल साइज का बनता है जब भी आप राउंडर में लेंगे, तो फिर मैं इसलिए डबल साइज की स्क्वायर बनाई थी। तो यहाँ पे सर्कल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स जब बन जाते हैं मेरे, तो फिर मैंने मतलब सर्कल्स बना के 3 पेजेस ली थी, 3 A4 साइज रेड पेपर ली थी, ताकि मेरे फ्लावर्स ज्यादा एकदम मस्त लगे, बड़े एकदम, मतलब मेरा बुके एकदम अच्छा लगे, इसलिए मैंने 3 पेपर्स ली थी। अब उन पेपर्स पर जो स्क्वायर शेप हमने कट किए थे उनको कट कर, मतलब जो हमने बनाए थे उनको भी कट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे स्क्वायर्स भी मैंने कट कर लियो, ताकि मतलब सर्कल बाकी के खराब ना हो एक सर्कल की वजह से। कटिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इसलिए। तो यहाँ पे अब हम लोग स्क्वायर्स में से सर्कल कट करेंगे। तो इधर मेरे सारे A2Z सर्कल कंप्लीट हो गए कट करके, एकदम परफेक्ट सर्कल। फिर इधर हम अभी रोज बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें एक सर्कल वो लेना है, पूरा एक सर्कल लेना है, उसको सर्कुलर जलेबी शेप में कट करना है। जलेबी या तो आप सांप का शेप बोल सकते हो, स्नेक का शेप, उस शेप में पूरा कट करना है। बट स्टार्टिंग का एक, मतलब स्टार्टिंग का थोड़ा सा एंडिंग का पार्ट वो छोड़ देना है सर्कल में, ताकि एंड में फ्लावर को स्टिक करें, हम अपने रोज को स्टिक कर सके। तो इधर हमारा वो कट हो गया था, और आप देख ही सकते हैं मैंने लास्ट में वो सर्कल छोड़ी थी जैसे मैंने बताई थी। अब हम स्टार्टिंग से जहाँ से कट कर रहे थे, तो वहीं से हम अभी सर्कुलर शेप में उसको पूरा फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा रोज का बड़ा मस्त लगेगा, एकदम अच्छा सा लगेगा। तो फिर अभी इधर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये तो बहुत इजी होता है सर्कुलर शेप में एकदम रोल करना, बट लेकिन एंडिंग का वो बड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड रहता है जहाँ पे हमको स्टिक करना रहता है, क्योंकि स्टिकिंग में कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, परफेक्टली स्टिक करना आता है आ नहीं पाता है, इसलिए
फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे ही मेरा इससे परफेक्टली स्टिक होता है। तो फिर यहाँ पे मैं नीचे का एंडिंग पार्ट पे अच्छे से चिपका दूँगी और अंदर का वो जो नोक साइड थी उसको भी नीचे साइड ही स्टिक करूँगी ताकि वो बाहर ना आ जाए पूरा, मतलब पूरा खुल ना जाए फ्लावर, बस नीचे का स्टिक रह जाए और बाकी का बाहर ना आ जाए। ये देखिए जैसे मैंने स्टिक करी वैसे आप स्टिक करके बहुत सारे मतलब यहाँ कि बहुत सारे फ्लावर्स बना सकते हैं जितने आपको चाहिए। यहाँ पे मैंने तो 18 फ्लावर्स ली हूँ, आप लोग कितने भी ले सकते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा फ्लावर मतलब बुके नहीं चाहिए था, छोटा ऐसा ही चाहिए था। फिर यहाँ पे मैंने एक A4 साइज पेपर ले लियो क्योंकि फ्लावर के नीचे तो स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, बिना स्ट्रिप्स के बुके कैसे बनेगा। तो फिर यहाँ पे ग्रीन पेपर पे मैं 4-4 सेंटीमीटर्स के वो कट करूँगी स्ट्रिप्स ताकि हमारा फ्लावर बड़ा अच्छा बनेगा। तो फिर अच्छा नहीं लगेगा।
अच्छा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल ख़राब लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे एकदम मजबूती से इसको चिपका दी। अच्छे से एकदम मैंने चिपका दी तो फिर वन साइड लेके मैं उसको ऐसे रोल करके सेकेंड साइड कोन शेप बना के उसको परफेक्ट कर दूंगी। अपर से फ्लावर्स प्रेस करके उसको टेप से अच्छे से स्टिक कर दूंगी। तो फिर अगर आपको ये बस पेपर के साथ चाहिए तो फिर आप पेपर के साथ बना सकते हैं। मुझे तो जेलेटिन के साथ चाहिए था क्योंकि जेलेटिन बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने जेलेटिन लगा दी। आपके चॉइस पर है, ऑप्शनल है कि जेलेटिन आपको लगानी है कि नहीं ऊपर से, वरना फिर अगर आप नहीं लगाओ जेलेटिन ऐसे ही रखोगे और इस पर थोड़ी डेकोरेशन कर लोगे जैसे रिप। तो फिर मैंने यहाँ पे जेलेटिन लगा के रेडी कर लिया। तो फिर आप अगर